फ्रेंड्स, वेलकम टू विंटर क्लासेस। और आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 9वीं का इतिहास एंड पॉलिटिकल साइंस का राजनीतिक विज्ञान। पॉलिटिकल साइंस मतलब राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक विज्ञान का पहला लेसन स्टूडेंट्स है विश्वयुद्धोत्तर राजनीतिक गतिविधियां। विश्व युद्धोत्तर, युद्धोत्तर मतलब विश्व युद्ध, मतलब दो विश्व युद्ध हुए थे हमारे देश में या हमारे पृथ्वी पर। दो विश्व युद्ध थे, एक प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। इन दोनों विश्व युद्ध को पूरी वीडियो में लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद उस युद्ध के बाद राजनीतिक गतिविधियां, मतलब राजनीतिक गतिविधि कैसी हुई हमारे देश के अंदर, हमारे देश की राजनीतिक गतिविधि कैसी है और देश के बाहर हमारी राजनीतिक गतिविधियां कैसी है, इसके बारे में लोग अध्ययन करने वाले। चूंकि स्टूडेंट्स, आपने कक्षा 8वीं में स्थानीय शासन संस्था भारत के संविधान के बारे में अध्ययन किया हुआ है कि स्थानीय शासन संस्थाएं क्या काम करती हैं, ठीक है ना। उसके अंदर आपने देखा पंचायत समिति, वो सारी चीज़ें आपने देखी होगी। भारत का संविधान के बारे में आपने देखा होगा, ठीक है। तो आज इस कक्षा में क्या देखना है, भारत की राजनीति दूसरे देशों के साथ किस प्रकार की है। तो जैसे इतिहास से आपको मालूम है, इतिहास का अध्ययन करने से ऐतिहासिक कालखंड की जानकारी हमको मालूम पड़ती है, ठीक है। भूगोल का अध्ययन करने से हमको भूगोल की जानकारी मालूम होती है, भौगोलिक संरचना की जानकारी समझ में आती है कि विश्व की भौगोलिक संरचना कैसी है। उसी प्रकार राजनीतिक शास्त्र का अध्ययन करने से भारत और विश्व के बीच के संबंध और महत्वपूर्ण वैश्विक समस्याओं की जानकारी हमको प्राप्त होती है। जब लोग राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो हमारे भारत और विश्व का ये जो संबंध है, भारत का दूसरे विश्व से क्या संबंध है, इनकी वैश्विक समस्याएं क्या है, उन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है जब हम लोग राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा पहला टॉपिक है परस्परावलंबन। परस्परावलंबन, परस्परावलंबन मतलब क्या होता है। जैसे स्टूडेंट्स, आप सबको मालूम है हम सभी अलग अलग कारणों और सुविधाओं के लिए समाज के हर व्यक्ति से, हर एक संस्था के ऊपर क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं। अलग अलग कारण से मैं आपके ऊपर निर्भर हूँ, आप दूसरे ऊपर निर्भर हो, दो दूसरे ऊपर निर्भर है, किसी न किसी कारण से हम लोग क्या आ गए, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, जीवन के आलंबित है। समझ में आ रहा है। इनमें एक दूसरे का परस्पर सहयोग महत्वपूर्ण होता है। अगर एक जन दूसरे की मदद करेगा तभी दूसरे वाले का विकास हो पाएगा, ठीक है। अगर कोई एक दूसरे की मदद नहीं करेगा तो विकास नहीं हो पाएगा। ठीक उसी तरह हर एक देश भी क्या होता है, एक दूसरे ऊपर क्या होता है, निर्भर होता है किसी न किसी कारण से। चाहे वह देश कितना भी तरक्की किया हो, चाहे वह के देश कितना भी पैसे वाला हो, लेकिन उस देश को दूसरे किसी देश के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है कुछ चीज़ों के लिए। कुछ ना कुछ आदान प्रदान उनके बीच में चलता रहता है, चाहे वह स्वतंत्र देश हो चाहे वह असंपन्न देश हो, उनके बीच में प्रक्रियाएँ चलती रहती हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। ये सारी चीज़ें हम लोग इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चलो थोड़ी दोहराई करेंगे। दोहराई करेंगे मतलब थोड़ा सा दोहराएंगे, पीछे का याद करेंगे हम लोग कि कक्षा 8वीं में हमने क्या पढ़ा हुआ है। पिछली कक्षा में नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तकों में हमने स्थानीय शासन संस्था, भारत का संविधान, अपने देश की शासन प्रणाली, सरकार की संरचना, इन चार चीज़ों के बारे में पढ़ी है। पहली चीज स्टूडेंट्स स्थानीय शासन संस्था, दूसरी चीज भारत का संविधान के बारे में पढ़ा है, अपने देश की शासन व्यवस्था कैसी है, सरकार की संरचना किस प्रकार से हुई है, इनके बारे में अध्ययन किया हुआ पिछली कक्षाओं में। इस कक्षा में हम भारत के विश्व से होने वाले संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत का दूसरे विश्व के साथ क्या संबंध है, हम लोग अमेरिका, जापान, चाइना, दूसरे देशों के साथ किस प्रकार के संबंध रखते हैं और वो संबंध हम लोग क्यों रखते हैं। भूगोल के अध्ययन से आपको विश्व की भौगोलिक संरचना समझी होगी। इतिहास के अध्ययन से ऐतिहासिक कालखंड, वैश्विक गतिविधियां समझ में आई होगी। सही बात है, जब आप भूगोल समझते हो, ठीक है, भूगोल का अध्ययन करने के बाद आपको भौगोलिक संरचना समझ में आ जाती है, लेकिन जब आप इतिहास पढ़ते हो तो आपको ऐतिहासिक कालखंड समझ में आता है कि कौन से समय में क्या हुआ था, ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको समझ में आती है। शास्त्र के अध्ययन से भारत और विश्व के संबंध और महत्वपूर्ण वैश्विक समस्याएं समझेंगे। अब हम राजनीतिक विज्ञान के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि भारत और विश्व में किस तरह के संबंध है और कौन कौन सी वैश्विक समस्याएं भारत और दूसरे देशों के साथ। हम सभी अलग अलग कारणों से सुविधाओं के लिए समाज के व्यक्तियों, संस्था तथा संगठनों पर निर्भर होते हैं। सही बात है स्टूडेंट्स, हम सभी, चाहे आप हो चाहे मैं हो, किसी न किसी कारण की वजह से, किसी न किसी सुविधाओं की वजह से दूसरे संस्था पर, किसी व्यक्ति पर हम लोग क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं। हमारा सामाजिक जीवन एक दूसरे पर आवलंबित होता है। हमारे जो सामाजिक जीवन होता है वो दूसरे पर क्या होता है, आवलंबित होता है, डिपेंड होता है, दूसरे पर निर्भर होता है। इसमें एक दूसरे का परस्पर सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर हमको जीवन सुचारू रूप से चलाना है तो एक दूसरे का जो सहयोग है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमारा जीवन को
चलाने के लिए। यह हमने देखा, यह जैसा व्यक्ति और समाज के बारे में होता है उसी तरह राष्ट्र के बारे में भी होता है। आपने देखा जिस तरह व्यक्तियों के साथ होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ क्या होता है, निर्भर होता है, ठीक उसी तरह एक राष्ट्र क्या होता है दूसरे राष्ट्र के साथ भी क्या होता है, निर्भर होता है किसी न किसी कारण की वजह से। उसी तरह विविध राष्ट्र के बारे में भी है। भारत की तरह विश्व में अनेक स्वतंत्र देश हैं। जैसे भारत देश स्वतंत्र है, वैसे और अलग अलग देश क्या हैं, स्वतंत्र हैं। व्यवहार उनमें निरंतर कुछ ना कुछ आदान प्रदान चलता रहता है, व्यवहार उनके अंदर होते रहता है। कभी हम उनसे कुछ सामान लेंगे, कभी वो हमसे कुछ सामान लेंगे, समझ आ रहा है। कभी हमने अमेरिका को सामान दिया तो अमेरिका से हमने कुछ सामान लिया है, ठीक है। कभी हम लोग इसराइल को कुछ सामान देंगे तो इसराइल से कुछ सामान लेंगे, ठीक है ना। इस तरह से आदान प्रदान उनके बीच में चलता रहता है। ये सभी स्वतंत्र देश एक दूसरे से अनुबद्ध भी करते हैं। इन सभी स्वतंत्र और प्रभुत्व संपन्न देशों की मिलकर एक व्यवस्था तैयार होती है, हम इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कहते हैं। ये जितने भी संपन्न देश हैं, ये जितने भी संपन्न और स्वतंत्र देश हैं, इन सबको मिलकर एक व्यवस्था तैयार होती है, उसको क्या कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कहते हैं। जब सारे राष्ट्र मिलकर एक व्यवस्था तैयार करते हैं उसे कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, राष्ट्रसंघ नाम जिसका है, ठीक है। राष्ट्रसंघ के बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। परस्परावलंबन, परस्परावलंबन मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, हर एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर निर्भर होना। ठीक उसी प्रकार हर एक देश क्या होगा, किसी ना किसी कारण से दूसरे देश को प्रकार का निर्भर रहेगा। जैसे हम लोग देखो हमारे देश में क्या, पेट्रोल डीजल ये बहुत कम मात्रा में, तो हम लोग क्या करते हैं दूसरे देशों से पेट्रोल डीजल लेते हैं, और साथ ही साथ दूसरे देशों में चावल गेहूं मसाले इनकी मात्रा क्या है, बहुत कम है। तो हम लोग क्या करते हैं, चावल गेहूं ये जो अन्य पदार्थ है उनको हम लोग देते हैं, ठीक है ना। तो विश्व के सभी देश किसी न किसी कारण से एक दूसरे पर क्या करते हैं, अवलंबित रहते हैं, निर्भर रहते हैं। राष्ट्र कितना भी बड़ा हो चाहे कितना भी छोटा हो, वह किसी न किसी कारण से दूसरे राष्ट्रों पर क्या होगा, निर्भर होगा। चलिए पढ़ लेते हैं। विश्व के सभी देश किसी न किसी कारणों से एक दूसरे पर अवलंबित होते हैं। राष्ट्र कितना ही बड़ा समृद्ध और विकसित क्यों ना हो, वह देश कितना भी बड़ा कितना भी समृद्ध और कितना भी विकसित क्यों ना हो, वह कभी भी सभी बातों में स्वयं पूर्ण नहीं होता। आप जानते हो ना, कोई भी मनुष्य, एक मनुष्य का अगर एग्जांपल लेंगे, कोई व्यक्ति कभी पूर्ण हो पाता है क्या, नहीं। उसके अंदर हमेशा जिज्ञासा होती है नई चीज जानने की, ठीक है ना। वो कभी व्यक्ति पूरा नहीं हो पाता, इसलिए हर देश कभी पूरा हो पाता है क्या, नहीं। उसको किसी न किसी चीज की जरूरत पड़ती है और जो दूसरे देशों से सहायता लेता है। बड़े राष्ट्रों को भी उनके जैसे अन्य बड़े राष्ट्रों और छोटे राष्ट्रों पर निर्भर रहना पड़ता है। जो बड़े राष्ट्र होते हैं जैसे अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, रूस हो गया, ये जो बड़े बड़े राष्ट्र हैं उनको भी अपने जैसे बड़े राष्ट्रों पर या छोटे राष्ट्रों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए परस्परावलंबन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का अर्थात आज की वैश्विक व्यवस्था के महत्वपूर्ण वैशिष्ट है, समझ में आ रहा है। इसलिए परस्परावलंबन क्या है, आज की वैश्विक अवस्था का क्या है, एक महत्वपूर्ण विशेषता है। परस्परावलंबन हर एक देश दूसरे देश के ऊपर निर्भर है, समझ में आ रहा है, समझा। जैसे अभी भारत ने किससे राफेल लाया, तो मेरा क्वेश्चन है भारत ने राफेल लाया है, ठीक है। वो भारत ने राफेल कौन से देश से मंगाया है, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताओगे। ये समस्याएं, व्यक्ति और राष्ट्र परस्परावलंबन में भला क्या अंतर है। व्यक्ति और राष्ट्र परस्परावलंबन में कुछ अंतर नहीं स्टूडेंट्स। जिस तरह से व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर निर्भर होता है उसी तरह से हर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों पर भी निर्भर होता है, समझ में आ रहा है। धनवान देश और निर्धन देश, क्या ऐसा कोई विभाजन होता है। हाँ होता है, जिस देश की आर्थिक व्यवस्था अच्छी होगी, जिसका जीडीपी अच्छा होगा, जिसकी अर्थव्यवस्था अच्छी होगी वह धनवान देश रहेगा। जैसे अमेरिका धनवान देश में आ जाता है, निर्धन देश जैसे नेपाल की बात करो तो निर्धन देश में आ जाए, गरीब देश में आता है, भूटान गरीब देश में आ जाता है, ठीक है ना। ऐसा विभाजन होता है। जैसे देश का प्रशासन संविधान के अनुसार चलता है वैसे ही क्या वैश्विक स्तर पर भी कोई संविधान होता है। कोई संविधान तो नहीं है, आप लोग जानते हो देश का जो प्रशासन है वह संविधान के हिसाब से चलता है। हमारे देश का संविधान है, उस संविधान के हिसाब से हमारे देश का प्रशासन चलता है। लेकिन हर एक देश को चलाने के लिए वैश्विक स्तर पर कोई संविधान है क्या, नहीं कोई संविधान नहीं है। उसके लिए अलग अलग संस्थाएं जैसे WHO है, WHO है, ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ है, ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कार्य करती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान किससे प्राप्त हुआ है, विदेश नीति। इसमें अगला टॉपिक हमारा है विदेश नीति। इसमें हमको मालूम प्रत्येक राष्ट्र अपने अंतर्गत व्यवहार के लिए, प्रत्येक राष्ट्र अपने अंतर्गत व्यवहार के लिए दूसरे राष्ट्रों से कैसा व्यवहार करे, इस विषय में नीति निर्धारित करता है। सही बात है, हर एक देश एक नीति बनाता है कि उसको दूसरे देशों के साथ किस तरह से व्यवहार रहता है रखना है, अमेरिका के साथ कैसे रहना है,
चाइना के साथ कैसे रहना है, पाकिस्तान के साथ कैसे रहना है, तो उनका क्या होता है, एक व्यवहार बनाते हैं लोग, उसे क्या कहा जाता है, विदेश नीति कहते हैं। क्या कहते हैं? विदेश नीति। हर एक देशों का दूसरे देशों के साथ व्यवहार कैसा रहे, उसे क्या कहा जाता है, विदेश नीति। ऐसी नीति को विदेश नीति कहते हैं। भारत की विदेश नीति का हम अगले अध्याय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। जो भारत की विदेश नीति है उसको हम लोग अगले पार्ट में, मतलब पार्ट दो में हम लोग उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। करके देखिए, एक माह में समाचार पत्र संकलित कर उसमें विदेश से संबंधित समाचार पत्रों का संकलन कीजिए। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर समाचार का वर्गीकरण कीजिए तथा प्रदर्शनी आयोजित करवाएं। ठीक है ना, आपको एक महीना का आकर समाचार पत्र लेना है और समाचार पत्र में जहां जहां पर विदेश संबंधित जो भी जानकारियां हैं उनको क्या करना है, सबको अलग करके प्रदर्शनी आयोजित करनी है। विदेश की महत्वपूर्ण पदों की व्यक्तियों द्वारा हमारे देश में दी गई भेंट, कौन से प्रदेश के कौन से विदेशी लोग हमारे देश में पधारे हैं। जैसे आपको मालूम फरवरी में नमस्ते ट्रंप हुआ था, ठीक है, ट्रंप जी आए थे, ठीक है ना, अमेरिका के राष्ट्रपति वो आए थे भारत में। तो कौन कौन दूसरे प्रदेश दूसरे विदेश के लोग यहाँ पर आए हैं उनकी सूची बनानी है। अपने देश और अन्य देशों में हुए अनुबंध, हमारे देश और दूसरे देश में कौन कौन से अनुबंध हुए हैं, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब आगे, जैसे हमारा देखो अभी रशिया के साथ हो रहा है, ठीक है ना, कोरोना वायरस मेडिसिन का हमारा रशिया के साथ क्या हो रहा है, पार्टनरशिप हो रहा है, तो ये भी क्या है, अनुबंध है। हमारे देश में आयोजित कोई अंतर्राष्ट्रीय परिषद, हमारे देश में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय परिषद आयोजित की गई जो दूसरे देश को लोग यहाँ पर आके मीटिंग किए। पड़ोसी देशों के संदर्भ में गतिविधियाँ, पड़ोसी देशों के संबंध में हम लोग गतिविधियाँ, ठीक है, हमारे पड़ोसी देश क्या कर रहे हैं, जैसे चाइना लद्दाख में देख रहे हो रोज दिन आए आक्रमण करते रहता है, तो अलग अलग पड़ोसी देशों का क्या हरकत है या क्या गतिविधि है, इन सभी चीज़ों का हमको वर्गीकरण करना समाचार पत्र के माध्यम से, उसको क्या करना, प्रदर्शनी करनी है। समझ में आ रहा है। आगे पृष्ठभूमि, हम आज जिस विश्व में रह रहे हैं उसमें उसने अनेक घटनाओं गतिविधियां द्वारा आकार पाया है। आज हम लोग जहां पर है जिस भारत में रह रहे हैं इसने बहुत सारी घटनाओं बहुत सारी गतिविधियों के बाद यह विश्व बना, यह भारत बना हुआ है। बहुत सारे लड़ाई हुए हैं, बहुत सारे विश्व युद्ध हुए हैं, बहुत सारी महामारी आई है, उसके बाद यह विश्व तैयार हुआ है। इसलिए हमें वर्तमान विश्व को समझने के लिए थोड़ा इतिहास जानना पड़ेगा। इसलिए आज का भारत समझने के लिए या तो आज का विश्व समझने के लिए हमको इतिहास पढ़ना पड़ेगा कि पहले भारत कैसा था, पहले अंग्रेज ले पुर्तगाली लोग थे, ठीक है ना, ये सारे लोग आके गए हैं, तो इतिहास समझना पड़ेगा आज के भारत को समझने के लिए। पिछली शताब्दी में विश्व युद्ध हुए, कितने विश्व युद्ध हुए थे स्टूडेंट, दो, इन दोनों विश्व युद्ध के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये हमें मालूम ही है, ये विश्व युद्ध पिछली शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं थी। पिछली शताब्दी में दो विश्व युद्ध हुए और ये विश्व युद्ध पिछली शताब्दी के महत्वपूर्ण घटनाओं में से गिनी जाती है। उनके कारण विश्व बदला, विश्व में नए प्रवाह नए विचार आए, इन विश्व युद्धों के कारण और क्या हुआ ये समझ लेंगे। समझ में आ रहा है। तो आज का जो विश्व देख रहे हो आप लोग, ये जो विश्व है अलग अलग घटनाओं अलग अलग प्रक्रियाओं अलग अलग गतिविधियां होने के बाद तैयार हुआ है, ठीक है, तो उसको समझने के लिए आपको थोड़ा इतिहास समझना पड़ेगा। जैसे देखा जाए पिछली शताब्दी में दो विश्व युद्ध हुए, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनके बारे में लोग आगे पढ़ते हैं। युद्ध वर्ष 1914 और 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है ना। यूरोप महाद्वीप के महत्वपूर्ण देश इसमें शामिल हुए थे, यूरोप महाद्वीप के महत्वपूर्ण देश क्या हुए थे, इसके अंदर शामिल हुए थे विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध में। तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक व्यवस्था में यूरोप का बहुत महत्व था, उस समय यूरोप का बहुत ज्यादा दबदबा था, यूरोप बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। प्रथम विश्व युद्ध में बहुत बड़ी मात्रा में जन और धन दोनों की हानि, बहुत लोग मारे गए और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ पैसों का भी। युद्ध में सहभागी राष्ट्रों को बहुत आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा, आर्थिक आघात, महामारी आ गई थी, ठीक है, लोगों को खाने नहीं मिल रहा था, लोगों के पास पैसे ही नहीं थे, ठीक है, लोग भूखे मर जा रहे थे, ये सारी चीज। युद्ध में सहभागी न होने वाले राष्ट्रों को भी मार सहन करनी पड़ी थी। जो युद्ध में सहभागी हुए थे उनका तो नुकसान हुआ ही हुआ, जो लोग युद्ध में सहभागी नहीं हुए थे उनको उनके साथ भी क्या हुआ, नुकसान हुआ, ठीक है, चाहे वो विजयी राष्ट्र हो चाहे वो पराजित राष्ट्र हो, दोनों के ऊपर असर हुआ था, दोनों के अंदर आर्थिक तंगी आ गई थी, मंदी आ गई थी, और जिसकी वजह से बहुत भूखमरी की समस्या निर्माण हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद, जिसके अंदर यूरोप महाद्वीप बहुत आगे था, ठीक है। इसमें आगे देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध में सहभागी राष्ट्र, मित्र राष्ट्र और मध्यगत राष्ट्र। जो प्रथम विश्व युद्ध था हुआ था उस समय दो राष्ट्र बने थे, मतलब दो गुट बन गया था, दो ग्रुप बन गया था। पहले वाले ग्रुप का नाम था मित्र राष्ट्र, इसके अंदर ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली, अमेरिका, ये सबका
ग्रुप था, ये लोग एक तरफ थे। दूसरा था मध्यगट राष्ट्र, जिसके अंदर जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, तुर्किस्तान और बल्गेरिया, ये लोगों का ग्रुप था। तो ये दो ग्रुप मिलकर क्या कर रहे थे, युद्ध लड़ रहे थे, और इन दोनों ग्रुप का समर्थन देने के लिए अलग अलग देश मिले हुए थे। समझ में आ रहे स्टूडेंट्स आप लोग को, ठीक है यहाँ तक? चलिए अब आगे देखते हैं। इस तरह के युद्ध पुनः न हो इसके लिए उपाय योजना करनी चाहिए। जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उससे बहुत ज़्यादा आर्थिक हानि हुई, देशों को बहुत ज़्यादा नुकसान सहना पड़ा। इस तरह से वापस ना हो, ऐसा युद्ध वापस ना हो तो ऐसे ही उनको आवश्यकता महसूस होने लगी, इसके लिए राष्ट्रसंघ नामक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई। राष्ट्रसंघ नामक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना कर दी गई 1920 में। कब की गई थी? 1920 में कर दी गई थी। लेकिन इस संगठन की स्थापना करना भी क्या हो गया, विफल हो गया, क्योंकि इस संगठन को चलाने वाले जो शक्तिशाली देश थे वही लोग थे। तो इस ये संगठन सही से कोई नियम बना ही नहीं पाता था, जिसकी वजह से ये बहुत सारे देशों के ऊपर अपना कंट्रोल करने में सक्षम नहीं हो पाया। इसलिए राष्ट्रसंघ विफल हो गया, और राष्ट्रसंघ विफल होने की वजह से दूसरा विश्व युद्ध भी हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, अंतर्राष्ट्रीय समस्या हल करने हेतु चर्चा समझौता करने का यह महत्वपूर्ण मंच बनाया गया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समस्या मतलब अलग अलग देशों में कौन कौन सी समस्याएं हैं उनको समझना, और उनको समझ के उनके ऊपर क्या करना, हल निकालना, इस उद्देश्य से राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई थी। और राष्ट्रसंघ मुख्य जिम्मेदारी युद्ध टालना मानी गई। राष्ट्रसंघ की प्रमुख जिम्मेदारी क्या थी, दो देशों के बीच युद्ध ना हो यह निश्चित किया गया था। इस उद्देश्य से राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई थी। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद यूरोप तथा यूरोप के बाहर भी अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई दिए। यूरोप में तो परिवर्तन दिखाई दिया, साथ ही साथ यूरोप के बाहर भी बहुत परिवर्तन दिखाई दिए। जैसे यूरोप के पूर्वी साम्राज्य ध्वस्त हुए और नए राष्ट्र अस्तित्व में आ गए। जो यूरोप के पूर्वी साम्राज्य थे, पुराने स्वराज्य थे, वो नाश हो गए और नए नए राष्ट्रों का विकास हुआ। यूरोप के अनेक देश कि अफ्रीका और एशिया महाद्वीप में आदिवासियां बसती थी। यूरोप के बहुत सारे लोग अफ्रीका और एशिया महाद्वीप में रहते थे, और वहां पर फिर क्या हो गया, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। कहां पर? अफ्रीका और एशिया में। ठीक है, क्योंकि वहां पर यूरोपियन लोग रहते थे। इन आवासीय बस्तियों में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन आरंभ हुआ। कहां पर हुआ आरंभ? अफ्रीका और एशिया में। इन आंदोलनों ने यूरोपीय राष्ट्रों का वर्चस्व प्रमुख बड़ी चुनौती दी। आगे, प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति प्रस्थापित करने हेतु राष्ट्रसंघ का निर्माण हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रों में शांति रहे, उनके बीच में लड़ाई झगड़ा ना हो, इसलिए राष्ट्रसंघ का निर्माण किया गया था। परंतु राष्ट्रसंघ युद्ध रोकने में क्या हो गया, असफल रहा। राष्ट्रसंघ युद्ध नहीं रोक पा रहा था। ठीक है, जर्मन, इटली, स्पेन आदि देशों में तो स्थानाशाही शासन व्यवस्था अस्तित्व में आई। इन सभी घटनाओं की परिणति द्वितीय विश्व युद्ध में हुई। ठीक है, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, इसमें तानाशाही आ गया। तानाशाही मतलब सैनिकी व्यवस्था आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, वहां जनता की बातों को नहीं सुना जाता था, तो इस वजह से आगे जाके द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। चलिए अब द्वितीय विश्व युद्ध देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, द्वितीय विश्व युद्ध क्या है, 1939 से 1945 इनके बीच में जो युद्ध हुआ था उसको द्वितीय विश्व युद्ध कहते हैं। लगभग 6 साल तक युद्ध हुआ था, और यह युद्ध प्रथम विश्व युद्ध से बहुत ज्यादा विनाशकारी था। इसके अंदर बहुत ज्यादा धन की हानि हुई थी, किसकी तुलना में, प्रथम विश्व युद्ध की तुलना में। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तो समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे, प्रथम विश्व युद्ध में रूस जीता था और द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका जीता था। प्रथम विश्व युद्ध की तुलना में द्वितीय विश्व युद्ध अधिक संग्राहक सिद्ध हुआ। संग्राहक मतलब बहुत ज्यादा नुकसानदायक। वह अधिक व्यापक तो था ही, परंतु यह युद्ध अधिक उन्नत तकनीकी का भी उपयोग किया गया था। पहले वाला जो विश्व युद्ध हुआ था उसके अंदर ज्यादा बड़ी बड़ी तकनीकों को इस्तेमाल नहीं किया था, गोला बारूद का इस्तेमाल नहीं किया गया था ज्यादा। लेकिन जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसके अंदर बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में उन्नत तकनीकी इस्तेमाल किया गया था। जो अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था, ये उन्नत तकनीकी इस्तेमाल किया था अमेरिका ने। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। युद्ध में सहभागी हुए राष्ट्रों पर फिर एक बार आर्थिक संकट टूट पड़े। युद्ध में जो सहभागी हुए थे, युद्ध में जो भी लड़ने गए थे, जो भी राष्ट्र, उनके ऊपर वापस से क्या होगी, आर्थिक तंगी आ गई, आर्थिक संकट टूट पड़ा। ठीक है, आगे देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में सहभागी राष्ट्र, अब देखो प्रथम विश्व युद्ध में सहभागी राष्ट्र तो आपने पढ़ा कि कौन कौन थे प्रथम विश्व युद्ध में सहभागी राष्ट्र, उसको आपने देख लिया। ठीक है, जैसे मित्र राष्ट्र थे, मध्यगत राष्ट्र थे। मित्र राष्ट्र में आपने देखा ब्रिटेन था, फ्रांस था, रूस और इटली। उसके बाद मध्यगत राष्ट्र में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, तुर्किस्तान, बल्गेरिया, एक इसमें थे, मध्यगत राष्ट्र में थे। ठीक है, ये द्वितीय विश्व प्रथम विश्व युद्ध में शामिल थे। अब द्वितीय विश्व युद्ध में कौन कौन से राष्ट्र, मित्र राष्ट्र, अक्ष राष्ट्र, ब्रिटेन, फ्रांस,
देखो मित्र राष्ट्र और अक्ष राष्ट्र, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, भारत। देखो भारत द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था मित्र राष्ट्र की तरफ से, इंग्लैंड की तरफ से शामिल हुआ था, ठीक है। इंग्लैंड ने भारत को बहुत सारे आश्वासन दिए थे कि यदि आप द्वितीय विश्व युद्ध में आप हमारा सपोर्ट करोगे, हमारा सहारा दोगे, तो आप हम आपको आज़ादी देंगे, इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध में भारत उनका समर्थन दिया था। लेकिन उसके बाद वो अपनी बातों से मुकर गए और भारत को आज़ादी देने के लिए नहीं बोल रहे थे, ठीक है। सोवियत, रसिया, चीन, अमेरिका, ये मित्र राष्ट्र में आते हैं। और अक्ष राष्ट्र में जर्मनी, जापान और इटली, ये तीनों जन थे उनके विरोधी। इन इन दोनों के बीच में क्या हो रही थी, लड़ाई हो रही थी द्वितीय विश्व युद्ध की। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? अब आगे, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका महत्वपूर्ण सहभाग था, अमेरिका का महत्वपूर्ण सहभाग था, क्योंकि इसने परमाणु बम का निर्माण किया था अमेरिका ने। और युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका ने हिरोशिमा, जापान में दो शहर है हिरोशिमा और नागासाकी, आपने इतिहास में इसके पहले पढ़ा होगा, जापान में दो शहर है हिरोशिमा और नागासाकी, जहां पर उसने क्या किया, 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिरा के युद्ध को रोकने का प्रयास किया था, किसने, अमेरिका ने, ठीक है। स्टूडेंट्स यहां तक समझ में आ गया क्या? आगे देखते हैं। यूरोप में जर्मनी की हुई हार के बाद तथा एशिया में जापान की हार के बाद, यूरोप में कौन हार गया, जर्मनी, और एशिया में कौन हार गया, जापान, के हार के बाद द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया। जब यूरोप में जर्मनी हार गया और एशिया में जापान हार गया तो द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के समय विश्व स्तर पर जो अनेक घटनाएं घटित हुई उनका महत्वपूर्ण घटना शीत युद्ध में होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी बहुत सारी घटनाएं हुई, ठीक है, आर्थिक तंगी आई, युद्ध तो नहीं हुआ लेकिन उसको शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग इस पार्ट के आगे देखेंगे, आगे आने वाली वीडियोस में मैं बता दूंगा, ठीक है। यह 1945 से 1951 तक प्रतिघ समय तक शीत युद्ध का व्याप्त था। 1945 से लेकर 1991 तक शीत युद्ध का समय चल रहा था, समझ में आ रहा है? अब शीत युद्ध व्याप्त था, इस कालखंड में कुछ परिवर्तनों का हम समीक्षा करेंगे। इस कालखंड में कौन कौन से परिवर्तन आए थे, इन परिवर्तनों को हम लोग शीत युद्ध में देखेंगे, जो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो हमने क्या सीखा, आज की वीडियो हमने देखा कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था क्या है, फिर परस्परावलंबन क्या होता है, विदेश नीति क्या होती है, और प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। उम्मीद है आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। यदि आपको पूरी वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, और यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद उसके बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करके ऑल कर दीजिए, ताकि जब भी मैं आप लोग के लिए नई वीडियो बनाऊँ तो आपको टाइम टू टाइम वो वीडियो मिलती रहे और आप कोई भी वीडियो देखने से चूके ना। तो स्टूडेंट्स आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा शीत युद्ध क्या होता है और शीत युद्ध की वजह से देश में क्या परिणाम हुए थे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आने वाली वीडियो जो रहेगी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस वीडियो को देखना न भूलिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।